ऐसी यात्रा को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी हम बोरीवली स्टेशन पे आ पहुँचे हैं। हाय गाइस, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, भावनगर जा रहे हैं निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए। और बाबा भोलेनाथ ने चाहा तो हम आपको जरूर उनके दर्शन कराएंगे। कल सोमवती अमावस्या है। जय भोले की, हर हर महादेव। भावनगर आ पहुंचे हैं। ये हमारी भावनगर, टाइम पर थी ट्रेन हमारी। और ये हमारा ग्रुप है जो हम लोग साथ में जा रहे हैं। जय भोले की, हर हर महादेव। हाय गाइस, हम आपको भावनगर स्टेशन दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भावनगर स्टेशन से यहाँ से बाहर निकलना है। हाय गाइस, हम स्टेशन के ठीक सामने रुके हुए हैं, होटल में भावनगर में। ये देख, भावनगर सामने स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और ये बाहर निकलते ही एक चाय की दुकान है और इसके ऊपर हम लोग रुके हुए हैं। ये रूम है छोटा सा, हमने 2 घंटे के लिए रूम लिया हुआ है। निष्कलंक महादेव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय भोले की, हर हर महादेव। अब हम निष्कलंक महादेव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमने गाड़ी की है, ऑन द वे हम जा रहे हैं। यहाँ से 1 घंटे पौने 1 घंटे का रास्ता है। भक्त जनों, ये देखिए पूरा समुंदर है। निष्कलंक महादेव आ पहुंचे हैं। ये देखिए, ये मेला लगा है, आज सोमवती अमावस्या है। भक्त जनों, ये मेला लगा हुआ है सोमवती अमावस्या का, और वो है निष्कलंक महादेव। जय भोले की, हम निष्कलंक महादेव आ पहुंचे हैं। और हम हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ये पूजा कर रहे हैं सब। ये देखिए भक्त जनों, ये देखिए बाबा निष्कलंक महादेव। निष्कलंक महादेव आ पहुंचे हैं। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ 5 पांडवों के ये 5 मंदिर बाबा भोलेनाथ के उन्होंने बनाए थे, जिनको बोलते हैं निष्कलंक महादेव। आए भक्त जनों, ये देखो सब जगह पानी हो गया है। जय भोले की, भक्त जनों, ये देखिए अब पानी बहुत बढ़ चुका है, पूरा डूब रहा है। ये देखिए, जय भोले की, जय भोले की, जय निष्कलंक महादेव की। यहाँ पे 5 पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।